हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह आसमान पर छाए काले बादल देखकर जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान खिली, वहीं कई दिनों से शुष्क मौसम की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को भी बारिश ने राहत पहुंचाई। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बारिश और मध्यवर्ती व ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी। संभावना जताई है कि इस बीच मौसम बदलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम का बदलता मिजाज हालांकि ठंड लेकर आ रहा है, लेकिन लोगों की माने तो बारिश और बर्फबारी से शुष्क ठंड से जहां राहत मिली है, तो साथ ही इससे होने वाली बीमारियों से भी प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी वासियों को भी शुष्क ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 माह से ज्यादा समय में बारिश बर्फबारी नहीं हुई है। राजधानी शिमला के लोग जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी का दीदार करने के लिए तरस रहे हैं, वहीं बर्फबारी के दीदार करने पहुंचने वाले सैलानी व्हाइट क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक केवल इंतजार करते रहे। आज मौसम के बदलाव से प्रदेश के हर व्यक्ति, कृषक, बागवान, व्यापारी, कारोबार सभी को राहत मिली है। शहर में बर्फबारी से निपटने के लिए शिमला नगर निगम भी तैयार है। शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था और पैदल चलने वालों की किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।